इंदौर शहर में कुछ दिनों पहले तिलक नगर थाना क्षेत्र के पिपलीयाना चौराहे पर गार्ड की रक्त रंजित लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो ये बात सामने आई कि युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है, जिसमें मृतक की शिनाख्त रामजी शुक्ला के रूप में हुई थी, जो एक बैटरी की कंपनी में गार्ड के रूप में काम करता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया था, जिसमें लगातार पुलिस हत्यारे को खोजने में लगी हुई थी, जिसमें अलग अलग पहलू पर जांच की गई तो यह बात सामने आई कि मृतक की पत्नी का एक दोस्त आशीष विश्वकर्मा है, जो घटना के बाद से ही नहीं दिखा, जो मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ था। मुखबिर की सूचना पर जब आशीष को पकड़ा गया और थाने लाकर उससे पूछताछ की गई, तब आशीष विश्वकर्मा के मोबाइल फ़ोन की व्हाट्सएप चैटिंग कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया तो जिसमें यह बात सामने आई कि आशीष विश्वकर्मा ने ही मृतक रामजी शुक्ला की पत्नी से घंटों बातें करता था, जिसमें कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने एक तरफा प्रेम के चलते रामजी शुक्ला को मौत के घाट उतारा, जिसमें उसका साथ उसके एक अन्य साथी अभिषेक पांडे ने दिया था। इस पूरी घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 12 मार्च की रात एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। ल्यूमिनस बैटरी में, बैटरी का शोरूम है, वहाँ पे वो गार्ड की नौकरी करते थे श्री राम शुक्ला, और उनको जो है किसी अज्ञात आदमी ने बहुत ही तेज धारदार हथियार से उनका गले पे वार किया था। इसके बाद ये पुलिस के लिए चुनौती थी कि एकदम ये ब्लाइंड मर्डर था, इसका इसमें कौन व्यक्ति होगा, और कुछ एक संदेही जो पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे पकड़े, तो उसमें जब उनका CDR निकाला गया तो वो व्यक्ति नहीं आए, और ये पूरा मामला जो है कंटिन्यूसली उलझता जा रहा था। इसके बाद जो पुलिस के पास में सुराग था, वो सुराग था कि जो मौके पर फुटप्रिंट मिले थे, फुटप्रिंट में एक बेयर फुट नंगे पैर का जो निशान था वो था उसमें, और चप्पल के निशान थे उसमें। वही एक पुलिस के पास में जो एविडेंस था, जो था कि उसमें सुराग था, जिसके माध्यम से पुलिस को करना था। इसमें एक जो बात समझ में आ रही थी वो ये आ रही थी कि चूँकि बेयर फुट है तो कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि आसपास का ही हो, क्योंकि नंगे पैर कोई व्यक्ति बहुत दूर से आदमी नंगे पैर नहीं आ सकता है, और इसी को लेकर के हम लोग प्रारंभिक तौर पे कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। बाद में इस बात को लेकर के एक इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं तिलक नगर थाने के रावत जी और TI मैडम, इन लोगों ने एक उस पर प्रोसीड किया कि क्यों ना एक दूसरे एंगल पे भी विचार किया जाए कि जो मृतक है उसकी जो पत्नी है उसके एंगल पे विचार करते हैं। तो जब हमने उनकी CDR निकाली और उसमें कई एक आपत्तिजनक जो कॉल्स हैं वो समझ में आई, और उस पर जब पूछताछ करने के लिए एक आदमी को बुलवाया और उसके फुटप्रिंट लिए, तो वो फुटप्रिंट जब फिंगर इसमें जो FSL अधिकारी हैं उनसे मैच करवाया गया तो वो फुटप्रिंट उनसे मैच हो गए, और जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। तो इसमें जो मुख्य आरोपी है वो आशीष विश्वकर्मा है और अभिषेक खांडे, ये दोनों दोस्त हैं, और ये अभिषेक जो है इंजीनियरिंग की हुई है इसने, और इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता है, और ये पड़ोस में रहता था वो महिला के, जहाँ पे ये श्री राम शुक्ला और उसकी पत्नी रहते थे उसी के पड़ोस में ये रहता था, और वहीं से इनका प्रेम संबंध शुरू हो गया था। श्री राम शुक्ला, जैसा उसने बताया अभी प्रारंभिक तौर पर, कि श्री राम शुक्ला को शराब पीने की लत थी, तो वो लत छुड़वाने के लिए उसने काफ़ी कोशिश भी की, जो इसमें आरोपी है उसने प्रयास भी किया, उसने कई जो जादू टोना टोटका वाले रहते हैं जो इश्तिहार आते हैं उनमें फ़ोन लगा करके कराए कि इसकी दारू छूट जाए, और शुरू में मतलब ये शॉपिंग वगैरह भी करवाता था, इनका बच्चे का जन्मदिन था तो ये भी साथ में जाता था उसके, और पूरी फैमिली से ये शो करता था कि बहुत क्लोज संबंध है, लेकिन उसके जो हस्बैंड है जो मृतक हैं इसमें, उनको ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। इसके बाद इन लोगों ने एक दिन खूब शराब पी, और शराब पीने के बाद प्लान बनाया कि इसको मारना है, और जब मारने के लिए ये गए तो ये गार्ड जो है नीचे बैठा हुआ था, करीब जो इसके अनुसार समय बता रहा है ये तो 8:30 के करीब का समय था, क्योंकि वो एरिया सुनसान रहता है और पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था, तो इसकी जो है इसको दौड़ाया तो इसकी चप्पल नीचे छूट गई, और इसके बाद फिर ये ऊपर गया और ऊपर जा करके इन्होंने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया, और इसके बाद भाग गए। भागने के बाद इन्होंने जो उसके हथियार हैं वो हथियार भी एक जगह पे, अपने जो कपड़े थे कपड़े भी एक जगह जला दिए इन लोगों ने, और पूरा इसमें जो एविडेंसेस थे वो पूछे, और इसके बाद ये घर चला गया। इसके बाद फिर बाद में जब पुलिस ने इसको तफ्तीश के लिए बुलाया तो फिर ये पकड़ा गया। इसका साथी कौन है सर? इसमें साथी इसका हलवाई का काम करता है, इसका दोस्त है, तो चूंकि इन लोगों के आस पड़ोस में रहते हैं तो इनके संबंध थे, और इस कारण ये
क्लोज होने के कारण लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था। घटना के बाद कहां कहां भागे थे कुछ? ये घटना के बाद कहीं नहीं भागा, ये यही तो एक सबसे बड़ी पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि यदि कहीं भाग जाता तो ये समझ में आ जाता कि ये व्यक्ति फरार है, तो वो एकदम नॉर्मल एकदम बन करके वो घर में ही रहा हो, ताकि पुलिस को किसी को संदेह नहीं हो कि ये भी हो सकता है। इसकी शौर्य यात्रा में भी थे सर? हाँ हाँ बिल्कुल, वो बल्कि वो पूछने भी गए एक दो बार कि अभी डेड बॉडी आई कि नहीं आई, और वो अपने आप को बिल्कुल इतना कूल और इतना नॉर्मल शो कर रहा था कि किसी के लिए भी संदेह करना बहुत ही मुश्किल था। वो तो बहुत अच्छा है कि फुटप्रिंट हमको वहाँ पे मौके पे मिल गए थे, तो फुटप्रिंट उसके मैच हो गए, तो इसके बाद अब उसके पास बोलने के लिए छिपाने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं। हाँ वो लोकल इंदौर का ही रहने वाला, मूसाखेड़ी का। मृतक की पत्नी को पता था इसने मारा? नहीं, मृतक की पत्नी को नहीं पता था ये बात, क्योंकि ठीक है ये शराब पीता था, शराब पी के जो इसने बताया कि मारपीट करता था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।